हेलो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन हो गया, हमने एमिवे के किंग ऑफ द स्ट्रीट्स एल्बम के गाने हैं वो हमने सुने ही नहीं है अभी तक, और वो सुनने बनते हैं, लेकिन वो सुनने बनते हैं आपके साथ। तो आपने बहुत कहा मुझे कि आप इकट्ठे गाने कर दो जो आपने मिस किए हैं, या फिर आप एक एक करके करो। तो मैंने सोचा दो दो करके करते हैं, ताकि ऐसा हो कि जल्दी कवर भी हो जाएं और गाने सुन भी लिए जाएं। सो आज वाली वीडियो में हम एमिवे की कोर्ट्स एल्बम के दो गाने सुनेंगे, एक होगा छोड़ डाला और एक होगा मेहरबानी। तो चलो पहले छोड़ डाला को स्टार्ट करते हैं। 3 मिनट्स एंड 50 सेकंड्स का गाना है, सुनेंगे फिर उस पर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। पहले सीन में अ फिगर गले दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे छिपकाया उसकी बड़ी ली को छोड़ डाला, एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे छिपकाया उसकी बड़ी ली को छोड़ डाला, एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, लफड़े झगड़े करना छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, नशे वशे करना भी छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, बुरा संगत में ना छोड़ डाला, छोड़ डाला। और बंटाए क्या बोलते तुम, अपुन भी संगत में हो गए थे घूम, घसते थे मलते थे बनती थी बूम, बदीरे में रहता था नशे में झूम, पी रहा था फूक रहा था, फूक रहा था सूख रहा था, दिल मेरा दुख रहा था, सोच रहा था क्या कर रहा मैं, पर लगता था यही छे लाइफ, नशे में था कैसे करता डिसाइड, फिर मुंह पे पड़ा फाइट बेड़ा समझा मैं लाइफ, आस पास सब मेरे नशे से कर रहे थे प्यार, अपना भी वही था वाइफ, म्यूजिक बना रहा था, बिजनेस पे ध्यान नहीं दे रहा था, शैतान था साथ में नशे में घेरा था, देखता जब चेहरा था आईने में, सोचता था कब आऊंगा कायदे में, लोग यहाँ फायदे में साथ में रह रहे थे, आया जब होश तो सब साले बह रहे थे, सुन रहे नहीं बात, बन रहे थे सेठ, मैं सिर्फ एक जरिया जो भर रहा था पेट, समझा मैं लेट तो बंद करा गेट, वड़ गए सब अब कर रहे ले हेट, मेरा अलग है रास्ता, मैं नहीं करा रेस, सोबर हूँ लाइफ में, ग्लो ऑन माय फेस, शुक्रिया उन पलों को, दैट वाज अ फेस। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे छिपकाया उसकी बड़ी ली को चोट डाला, एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे छिपकाया उसकी बड़ी ली को छोड़ डाला, एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, नहीं करना छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, नशे वशे करना भी छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला। जितने भी एरिया के लड़के लोग सुन रहे ले मे को, नशा की दर पे नहीं ले जाएगा ते को, स्पीड खराब आते आज नो कैप, ले जाएगा एक ही जगह वो है रिहैब, उससे अच्छा अब भी से सुधार, सुन मेरे जिगार, पीरा तू लिकार, मिटाने फिकर पर मिट रेला तू, होश में रहने को डर रेला क्यों, होशो आवाजों में रहने का हिसाब लगा, जितना नशा तू महीने का कर रहा है उतने में किसी का घर चलेगा, नशा करने पैसा तू घर से लेगा, रोटी कमा छोटी कमाए फिर मोटी कमाए, समझे बमाए, शुरुआती नीचे से पीछे से खींचने वाले यहाँ बहुत है, देखो नहीं मालूम तू पैदाइशी गोट है, आसपास 10 नहीं 2-3 लोग बहुत है, इंसान की चलती नहीं चलता सिर्फ नोट है, ऊपर से अच्छा क्यों दिल में जब खोट है, तूने ये नशा देखो करेला छोट है, हर एक लाइन इस गाने का कोट है, डिसिप्लिन होना पड़ेगा कुछ करने को, नाम बना दुनिया में एक दिन तो मौत है। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे छिपकाया एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। गाली दिया साले ने, मैं जाके उसे फोड़ डाला, लाफे छिपकाया उसकी बड़ी ली को छोड़ डाला, एरिया में अल्टर था, गुस्सा बहुत आता था, माँ को पसंद नहीं था, सिगरेट भी छोड़ डाला। छोड़ डाला बुरा संगत मैंने छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, लफड़े झगड़े करना छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, नशे वशे करना भी छोड़ डाला, छोड़ डाला छोड़ डाला, बुरा संगत में ना छोड़ डाला, छोड़ डाला। वेरी नाइस, आई लव इट, कितना अच्छा गाना बनाया, बड़ा इंस्पायरिंग, मोटिवेशन देने के लिए। खत्म हो गया गाना, लाइक कोट्स, यस, किंग ऑफ द स्ट्रीट्स। सो इस गाने में जो एमिवे ने कहा है, इट इज वेरी इंस्पायरिंग, जैसे मैंने बार बार कहा, तो पहले उन्होंने लाइक इट इज अ स्टोरी जो उन्होंने इसमें डिपिक्ट की है, और बड़ी हार्ट टचिंग है, बिकॉज ऐसे है कि पहले ऐसी आदतें थी,
है ना, ऐसी संगत में था, गुस्सा बहुत आता था और बहुत कुछ ऐसा करता था जो नहीं करना चाहिए था। तो अभी क्या किया मैंने, मैंने ये सब छोड़ डाला, मैंने सिगरेट भी पीना छोड़ डाला, मैंने बुरी संगत को छोड़ डाला, मैंने गुस्सा करना छोड़ डाला, मैंने एक्चुअली रिएक्शन देना ही छोड़ डाला कि कोई कुछ भी बोलता है, इट इज जस्ट देम, इट्स नॉट मी। तो एमवे ने ये इसमें बोला है कि बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मतलब मेरे इर्द गिर्द थी, जो मेरे आसपास थी और मेरी जो ऐसी संगत थी जो लोग मेरा फायदा उठाते थे। और जैसे आप वर्ड्स में उन चीजों को लिखते हो तो आपको उनकी स्टोरी का भी पता लगता है। तो किंग ऑफ द स्ट्रीट्स इज अ स्टोरी ऑफ कोर्स, जैसे हमने पहले भी इस बात को बोला, तो इट्स लाइक रीडिंग अ बुक। तो फॉर मी इट्स लाइक एमवे की जो लाइफ स्टोरी है वो अभी तक जो है वो हम पढ़ रहे हैं। सो इस वाले गाने का एक फुल ऑन मीनिंग बनता है उनकी लाइफ में और कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में बदलाव लाया। और उन्होंने वही बातें लोगों को कहीं बैठ के, ऐसा सीन भी दिखाया कि इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं रखा अपना, जैसे तुम स्क्रैच से भी स्टार्ट करो तो भी तुम कहीं पे पहुंच सकते हो, तो छोटे छोटे स्टेप्स लो और तुम कहीं पे पहुंच सकते हो। अगर तुम्हें कोई बोलता है, कोई गिराने की कोशिश करता है, दैट इज देम, दैट्स नॉट यू, यू जस्ट कीप गोइंग, यू जस्ट कीप डूइंग व्हाट यू आर गुड एट। अपनी जो हिम्मत है उसको मत हारो। तो ऑलवेज आई से दिस ऑल्सो के हमें चलते रहना चाहिए लाइफ में, हमें हिम्मत हारनी चाहिए। और एमवे ने भी इसमें यही मैसेज दिया है विच इज रियली गुड, आई लव इट, आई लव दिस सॉन्ग बिकॉज इसमें इंस्पिरेशन है, इसमें मोटिवेशन है। एमवे ने अपनी ही लाइफ से चीजें लेके लोगों को इंस्पायर किया है कि अभी ये जो टाइम ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को सुधार लो, सब कुछ ऐसा छोड़ डालो जो तुम्हें प्रोग्रेस नहीं देता लाइफ में। तो आई लव इट बिकॉज इट इज इंस्पायरिंग। तो चलो अगला गाना सुनते हैं, ज्यादा बात करेंगे तो बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी इस गाने के ऊपर ही, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टॉक अबाउट ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस सॉन्ग, पर फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप बोलते हो कि आप बोलते बहुत हो तो मुझे रिएक्शन का मतलब यही है कि मेरा रिएक्शन क्या है इस गाने पे। तो आप बोलते हो कि एक गाना सुनते जाओ, एक साथ में सुनते जाओ, लेकिन मेरा दिल कर रहा था बीच बीच में इसको स्टॉप करूं और फिर इसको सुनूं और इसके बारे में बात करूं, लेकिन आप लोग नाराज हो जाते हो, पर आपको नाराज तो करना नहीं है ना। तो आपकी सपोर्ट मेरे लिए ऑफकोर्स इतनी मायने रखती है। तो अगला गाना सुनते हैं बिना ज्यादा बात किए, वो होगा मेहरबानी, बिकॉज हमने कुछ गाने इसके सुन लिए हैं, तो मेहरबानी को अब हम सुनते हैं। ऑडियो है, वीडियो नहीं है और कैप्शंस भी नहीं है। चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर कहानी कर रहा अपने लुक की बात, साथ रे के साथ खाके अपने वाले करते घात। यो नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर कहानी कर रहा अपने लुक की बात, साथ रे के साथ खाके अपने वाले करते घात। यो डरे ले है मुझसे क्योंकि आवाज अपनी ऊंची है, काफी रिश्ते काट डाले जैसे अपन कैची है, मतलब ही मिलना चाहते मुझे पता है क्या चाहिए, ऊंची बातचीत इसलिए गाने मेरे क्या चाहिए, ये सिर्फ आएंगे करेंगे अपना टाइम वेस्ट, मेहनत किए बिना इनको करने का है लाइफ चेंज, ये भागे जिधर है पैसा और खेले माइंड गेम्स, फेक फ्लेक्स फेक टॉक, नॉट माय रेंज। नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर कहानी कर रहा अपने लुक की बात, साथ रे के साथ खाके अपने वाले करते घात। यो नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर कहानी कर रहा अपने लुक की बात, साथ रे के साथ खाके अपने वाले करते घात। यो सुनो मेरे साथियों, ये लाइफ जैसे मारियो, चलते रे रे रुक रे नहीं जैसे कर रे ले गाड़ियो, टप्पे खा रहे सारे अपन निकल रहे सर पंडी, महंगे पार्लर जा रहे पहले बालों पे से बरगंडी कलर, विजन तेरा ब्लर नहीं क्लियर रख, दुनिया का छोड़ दिल में परवरदिगार का फियर रख, गियर एक्सीडेंट या धक्का मार गाड़ी को, टोचर नहीं लेना वरना सुना के बताते लोग।
नचिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर कानी कर रहा अपने लुक की बात, साथ रे के साथ खाके अपने वाले करते घात, यो नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर कानी कर रहा अपने लुक की बात, साथ रे के साथ खाके अपने वाले करते घात, यो आज अब तक दिल तोड़ेगी नहीं, पब्लिक साथ छोड़ेगी नहीं, लगाम रख हाथ में, बात कर रहा घोड़ेगी नहीं, इंसानों को पहचान, बनते मीठा पान, जुबान इनका सामान, समझा मेरी जान, पीछे बोलेंगे इसके लिए ये करा मैं वो करा, इन्हीं बोलेंगी कि लाला इनके लिए तू था खड़ा, शुक्र है मौला खा जो ना मांग के अपुन किससे लिए, सुना के बताती है ये दुनिया बेटा इसीलिए, नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर कानी कर रहा अपने लुक की बात, साथ रे के साथ खाके अपने वाले करते घात, यो नहीं चाहिए किसकी मेहरबानी, स्वैग मेरा लोकल स्टाइल, बेटा पहन के घूमू शेरवानी, गैर कानी कर रहा अपने लुक की बात, साथ रे के साथ खाके अपने वाले करते घात, यो अपने वाले करते घात, अपने वाले घात करते हैं, धोखा देते हैं, करेंगे मीठी मीठी बात, मतलब इनका जैसी खत्म तो दिखा देंगे औकात, औकात लव इज अ वे ऑफ स्माइलिंग है ना, वो लाफ की आवाज, आई लव इट, अच्छा गाना था, बहुत अच्छा गाना था, इसमें उन्होंने यही कहा है कि मैं मेहरबानी किसी की लेता नहीं हूँ, जो भी मैं करता हूँ वो मैं अपने दम पे करता हूँ, मैं जो मर्जी करूँ, मैं पहन के बैठूँ शेरवानी, जो मर्जी करूँ है ना, वो मेरी मर्जी है, और मैंने आज तक किसी की मेहरबानी ली नहीं है, अगर लेता तो लोग कितना सुनाते, तो वही उन्होंने बात पलट के लोगों को भी बोली है, लाइक वो अपनी लाइफ की अफकोर्स स्टोरी बताते हैं हर चीजों में, तो उन्होंने कहा है कि किसी ने उठाया नहीं उनको, उन्होंने खुद ही अपने आप को उठाया हर चीज से और यहां तक वो पहुंचे हैं, और एमवे ने ये स्पेशली बोला है, यू नो मैसेज दिया है, ही इज गिविंग अ मैसेज आउट टू पीपल कि कभी भी किसी का टोचन मत लो, तो जो लोग तुम पे एहसान करते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एहसान करते हैं बिना स्वार्थ, उनका अनकंडीशनल फेवर होता है, लेकिन कुछ लोग इतनी कंडीशंस के साथ फेवर करते हैं ना तुम्हें कि तुम्हें बाद में पता लगता है कि दे आर गोइंग टू टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक्स, एंड वो क्या करते हैं, तुमको बार बार गिनाते हैं कि मैंने तुम पे यू नो ये एहसान किया था, किसी का एहसान लो ही मत, जितने में उतना रहो, जितना है भगवान ने दिया है, जितना आप यू नो करते हो अपनी लाइफ के लिए वो बेस्ट होता है, तो लाइक यू नो अपनों की सपोर्ट लेनी बुरी बात नहीं होती है, जो बहुत अपने खास होते हैं, जो अपने क्लोज होते हैं, वो कभी भी अपना यू नो एहसान गिनाते नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने ही होते हैं लेकिन वो भी यू नो एहसान तुम्हें गिनाएंगे, तो इसमें यही बात उन्होंने बार बार रिपीट की है, और उन्होंने कहा है कि अपने दम पे मैं बनाऊं जो भी हूं, और मैंने यू नो कभी किसी का एहसान लिया नहीं है, किसी की मेहरबानी ली नहीं है, और मैंने कभी लेनी भी नहीं है मेहरबानी, और कभी जरूरत पड़े ही ना कि मेहरबानी, क्योंकि मेरे ऊपर जो हाथ है वो भगवान का बहुत हाथ है, मेरे ऊपर खुदा का मेरे ऊपर हाथ है, तो इट इज ग्रेट, तो मतलब ऐसे भी लोग होते हैं ना जो जुबान पे इतने मीठे बनते हैं लेकिन इतने कड़वे होते हैं अंदर से कि वो कुछ भी कर देंगे आपको गिराने के लिए, तो उन्होंने ये भी मैसेज दिया है कि आप इंसानों को पहचानना सीखो, इतना भी किसी पे यकीन मत कर लो कि तुम यू नो बाद में तुम्हारी लाइफ रुल जाए और तुम्हें पता भी ना लगे, लोग वो चीजें याद रखते हैं जो उन्होंने तुम्हारे लिए की होंगी, वो ये नहीं याद रखते कभी भी कि तुमने उनके लिए क्या क्या किया है, वो मतलब वो ही गिनाएंगे जो उनकी कन्वीनियंस के लिए यू नो अच्छा होता है, तो इसमें भी वही वर्डिंग एमवे ने बोली है, भी लोग यही कहेंगे कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया, लेकिन वो नहीं बोलेंगे कि तूने मेरे लिए जो किया वो यू नो दैट आल्सो मेंट समथिंग, लास्ट में यही मैसेज किया कि इसीलिए मेहरबानी नहीं चाहिए बिकॉज लोग फिर बाद में सुनाते हैं कि ये वो किया तुम्हारे लिए, तो इससे अच्छा है कि मेहरबानी कभी लो ही ना किसी की, और जितना है उतने में रहो, अपनी लाइफ को खुश रखो, अपनी मेहनत करो, जहां से भी तुमने स्टार्ट करना है वहां से स्टार्ट करो, और ये जो गाने हैं ना ये कितनी मोटिवेशन देते हैं, तो अगर आप इतने समझदार हो तो एमवे के गाने सुन रहे हो तो आपको पता लग जाएगा कि आपको लाइफ में क्या करना है, बिकॉज इट इज सो मोटिवेटिंग, और वो लिटरली इसमें यू नो मैसेजेस दे रहे हैं तुम्हें कि खुद उठो, खुद बनो, खुद करो कुछ, तो ये दोनों गाने बहुत अच्छे थे, छोड़ डाला और मेहरबानी।
इस वाली वीडियो में हम यही दो गाने करेंगे बिकॉज बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो अगली वीडियो बनाएंगे उसमें और दो गाने करेंगे। तो दोनों गाने बहुत अच्छे थे अपनी अपनी जगह पे। मैंने मतलब बुरी चीजें छोड़ डाली, मैंने वो चीजें छोड़ डाली जो मुझे प्रोग्रेस करने से रोकती थी। मेहरबानी ऑफकोर्स, आई डोंट वॉन्ट टेक एनी वन एहसान, क्योंकि आई एम माई ओन पर्सन एंड आई डोंट वॉन्ट इट, बिकॉज लोग बार बार गिनाते हैं। तो अच्छे मैसेजेस हैं इसमें, बहुत ही लाइफ से जुड़ी हुई बातें हैं इसमें, लाइक जड़ से जुड़ी हुई बातें, बेसिक बातें हैं जो उन्होंने इन गानों में उठाई हैं, एंड दे आर लवली, ही इज डन सो गुड। और एमए में जब लिखते हैं तो इतना अच्छा लिखते हैं, मजा आ गया सुन के दोनों गाने। तो अगर आपको मेरे रिएक्शन अच्छे लगे इन दोनों गानों पे, छोड़ डाला और मेहरबानी पे, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, और गाने करते रहेंगे और ये सारी एल्बम को खत्म करेंगे जरूर, और आपको निराश नहीं करेंगे। जुड़े रहो मेरे साथ, सपोर्ट करते रहो, और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रिएक्शन के साथ, अगले दो गानों के साथ। उतनी देर तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपने मम डैड का बहुत ध्यान रखो, मेहरबानी किसी से मत लो, अपने काम करते रहो, और जो मतलब मेहरबानी तुम पे नहीं करके भी मेहरबानी कर देते हैं ना, वो अपने माँ बाप होते हैं हमेशा, उनका बहुत ध्यान रखो। तो दोनों गाने बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत अच्छे लगे, और अगले गाने सुनने के लिए मैं बहुत ही रेडी हूँ।